तो आइए चलते हैं एक बार फिर मुंशी प्रेमचंद के खजाने की ओर और चुन के लाते हैं एक और रत्न, मुक्ति धन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आम तौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्राय असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी ना किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहाँ फटकने ही ना देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसायी पुरुष उसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपये देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपये लेते समय तो अतुल संपत्ति होती है, लेकिन रुपये हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही ना था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपये रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ का पगहिया छीनने की चेष्टा करता था, किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गऊ मोहिनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत शुभ्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ की ओर देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊदयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊदयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, नाम तो रहमान है, पचौली में रहता हूँ। दाऊ, दूध देती है? मुसलमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर धो लीजिए, अभी दूसरा ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी धो ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलावे। दाऊ, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुभवा हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। मुसलमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका लिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे चला। अब एक आदमी ने कहा, अभी हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा,
हमसे 40 रुपए ले ले, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब दूर निकल आया तो दाऊदयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए की भी कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा, भगवान इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुणधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेच आते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ ना पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊदयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर ना हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब के कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की सजा देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पेर करके दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई है कि कभी ना हुई थी। यह माँ की दुआ ही का फल है, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो दो एक बनिए लेन देन करते हैं वे तो आसामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊदयाल के पास, इन सबसे तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए ना मिले तो आसामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ इतना है कि आसामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए ना पहुंचे तो बिना नालिश किए ना मानेंगे, घर बार बैल बधिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश ना चला तो हार कर दाऊदयाल के ही पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। दाऊ रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूँगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़े हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश ना करूंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया,
कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया, एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर, बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती हैं हुजूर कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ना मिली, रबी के लिए खेत जोत ना सका, परती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा, साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की ज़रूरत थी, कब्र बनवानी ज़रूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने पर आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था? माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था, फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ ना करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूँ? उसने सोचना शुरू किया, रुपए क्राउन कहाँ से? अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे, एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था, कौन मुंह लेकर जाऊं? अभी 3 ही दिन हुए हैं, साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं, अब 200 रुपए और मांगूंगा तो वे क्या कहेंगे? मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है, कहीं दुत्कार दिया, गुड़कियां दी तो पूछे, तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं? तो क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है यही दोनों हाथ हैं, उसके सिवा यहाँ क्या है? घर को कोई सेंत भी ना पूछेगा, खेत हैं तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं, बेकार जा रहा हूँ, वहाँ धक्के खाकर निकलना पड़ेगा, रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इस निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे, द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका, यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई न वही बात, यही सुनने तो मैं आया था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया, जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है, सलाम में रोस्ताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो? रहमान फूट फूट कर रोने लगा।
दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी माँ मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिद्धार्थ तो नहीं गई? रहमान, हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊ, रो ना, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम ना करना चाहिए, तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान, हुजूर कुछ अरस करने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ती, अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुंह से मांगूं? लेकिन अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं, यह समझ कर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कीजिएगा। दाऊ, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊग में 500 आ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य होता था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी थी, जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है, इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़ कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात ना समझा, बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए, ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए, सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ बारा हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की ज्यों ही गुड़ के रुपये हाथ आए सब की सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा, अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपये निकाल कर दे देंगे तो ले लूँगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूँगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है, अगन का महीना था, रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था, ओढ़ने को केवल एक पुराने गाढ़े रंग की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुँचे, आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़के दूसरे सिरे पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए, पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया, और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई, अपनी कुछ फिक्र ना थी, बाल बच्चों की भी फिक्र ना थी, भूखो मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है, फिक्र थी कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है, 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुँह दिखाऊंगा, चलकर उन्हीं से चिरौरी करूँ कि साल भर की मोहलत और दीजिए, लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे, कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो, साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठाकर दे दिए, खेत भी तो ऐसे नहीं कि बैरहन करके आबरू बेचाऊं, बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 मिल जाएं, आधे भी तो नहीं रहे, अब इज्जत खुदा के हाथ है, मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था, वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है, प्राण सूख गए। खुदा अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे, या अल्लाह कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपये लेकर देना नहीं चाहते, मियाद कल गुजर चुकी, जानते हो ना सरकार की, एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा,
बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं, ये चेक में किसी और को देना, 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार सारी ऊख जल गई, अल्लाह जानता है अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला, गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका ना दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया, रहमान ने एक बार भी सिर ना उठाया, बस रह रहकर या अल्लाह मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वे वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे, रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊ, क्या सब ऊख चल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो, गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी। गरीब परवर या दैवी आफत ना पड़ी होती तो नहीं कह सकता, हुजूर से उरन हो जाता। दाऊ, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे करें, मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वादा ना करूंगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर यह कैसे समझ लूँ, यहाँ ना दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊ, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। दाऊ, कैसा बोझ जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी वहाँ भी, अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपये नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, यह शराफत मुझे याद है, उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी सौगुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपये माफ़ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था, मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा, इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितना चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उधार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों ही के नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके, बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक कर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊ, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊ, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं, तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूलकर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना।